एक नदी के किनारे पर एक डायनासोर अपने छोटे से परिवार के साथ रह रहा होता है और अपने पत्नी के साथ मिलकर यहाँ पर मक्के की खेती किया करता है। ये डायनासोर अपने फसलों को उगाने के लिए बहुत मेहनत किया करता है। एक दिन इस डायनासोर के अंडे से तीन छोटे डायनासोर के बच्चे बाहर निकलते हैं। कुछ सालों बाद ये तीनों डायनासोर के बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगते हैं। धीरे धीरे इनके मक्के का फसल बड़ा हो जाता है तो ये डायनासोर अपने मक्के को तोड़कर एक पत्थर की गुफा में छुपा देते हैं ताकि सर्दियों के मौसम में ये इन मक्कों को खा सके। लेकिन ये जब भी अपना मक्का छुपाते हैं तो एक आदिमानव का बच्चा आकर इनके सारे मक्के खा जाता है। एक दिन छोटा डायनासोर अपने मक्के को रख रहा होता है तभी इसे वो आदिमानव का बच्चा इसके मक्के खाते हुए दिख जाता है। उसके बाद ये डायनासोर इस बच्चे को काटने के लिए दौड़ाने लगता है। तभी छोटा बच्चा डायनासोर के मुँह को पकड़ लेता है जिससे डायनासोर डर कर नदी में गिर जाता है और पानी में बहकर अपने परिवार से बहुत दूर चला जाता है।